नमस्कार, बीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। मुंबई में डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया इन दिनों फार्म पर है। बीएमसी के कड़े उपाय योजना के चलते बीते वर्ष डेंगू के मरीज नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन इस वर्ष 4 गुना इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच प्रदेश भाजपा विधायक आशीष शेलार ने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल तैयारी की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए महाविकास आघाड़ी के तीनों दल साजिश कर रहे हैं। उधर पाकिस्तानी हैकरों ने मुंबई पुलिस के साइबर सेल की ही आधिकारिक ईमेल आईडी को हैक कर स्तब्ध कर दिया है। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने जारी कोयला संकट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोयला आवंटन में भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई की विशेष अदालत ने पुणे की जमीन खरीद से जुड़े मामले को लेकर राकापा नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मुंबई में कोरोना भले ही नियंत्रण में आ गया हो, लेकिन अन्य बीमारियां तेजी से पैर पसार रही है। डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया भी इन दिनों उफान पर है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 वर्षों से चिकनगुनिया का एक भी मरीज नहीं मिला था, लेकिन इस वर्ष महज 10 महीनों में चिकनगुनिया के 30 मरीज पाए गए हैं। बता दें कि डेंगू और चिकनगुनिया बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बने हैं। पिछले साल से कोरोना की रोकथाम में बीएमसी जुटी हुई है। बीएमसी के कड़े उपाय योजना के चलते बीते वर्ष डेंगू के मरीज नहीं बढ़ पाए थे। फिर भी बीते वर्ष डेंगू के 129 मरीज मिले थे, लेकिन इस वर्ष 4 गुना इजाफा देखा गया है। इस वर्ष महज 10 महीने में डेंगू के 573 मरीज मिले हैं। यही हाल चिकनगुनिया का भी रहा है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी के एक ही स्रोत है। दोनों बीमारी एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलती है। डेंगू के कुल मरीजों में से 80% मरीजों के घर में ही डेंगू मच्छरों के लार्वा मिले हैं। इसीलिए लोगों को सावधान रहने और सतर्कता बरतने का आह्वान किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए महाविकास आघाड़ी के तीनों दल कभी एक साथ और कभी अलग अलग सुनियोजित तरीके से साजिश कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों और नेताओं के खिलाफ आंदोलन करेगी। इसके लिए भाजपा एक पेपर तैयार करके जनता के बीच जाएगी। वे भाजपा की और कमेटी की बैठक के बाद बोल रहे थे। सूत्रों के अनुसार राज्य के 6 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के उपचुनाव और अगले साल होने वाले नगर निकायों के चुनाव और विधान परिषद की रिक्त होने वाली सीटों पर चुनावी तैयारी पर चर्चा हुई। शेलार ने बताया कि बैठक में पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य के 97,315 बूथ में से 92,891 बूथ पर बूथ प्रमुख और उसकी समिति का गठन का काम पूरा किया जा चुका है। शेलार ने दावा किया कि सत्ताधारी तीनों दलों का प्रभाव केवल अपने अपने क्षेत्रों का सीमित है, जबकि भाजपा का प्रभाव पूरे राज्य में बढ़ रहा है। प्रदेश की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। अगला पिछला पूरा हिसाब इस बार बराबर होगा। पाकिस्तानी हैकरों ने इस बार स्तब्ध कर दिया। उन्होंने आम लोगों की बात तो दूर, मुंबई पुलिस के साइबर सेल की ही आधिकारिक ईमेल आईडी हैक कर ली है। इसके जरिए दूसरे पुलिस अधिकारियों को जब फिशिंग इमेज भेजे जाने लगे तो मामला सामने आया। ईमेल में अंग्रेजी में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर आतंकी हमले को अंजाम देने वाला आतंकी मुंबई में मार गिराया गया। इसके साथ इंटेलिजेंट रिपोर्ट की एक पीडीएफ कॉपी भी जुड़ी हुई नजर आती है, लेकिन इसे क्लिक करते ही संबंधित ईमेल आईडी की ईमेल समेत सभी जानकारियां हैकर तक पहुंच सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने राज्य के सभी अधिकारियों को आगाह किया है कि वे इस तरह के ईमेल आने पर नहीं खोले। महाराष्ट्र साइबर एसपी संजय शिंत्रे ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तानी हैकर ने ईमेल हैक किया है। इस पर भेजे जा रहे ईमेल और उससे जुड़े पीडीएफ को न खोले, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी ईमेल आईडी भी हैक होने और उससे जुड़ी सूचनाएं हैकर तक पहुंचने की आशंका है। राज्य साइबर सेल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटा हुआ है। महकमे के विशेषज्ञों का मानना है कि कोई बड़ा गिरोह इस घटना को अंजाम दे रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने जारी कोयला संकट के बीच आरोप लगाया है कि गुजरात और गोवा के पास अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने के बावजूद वहां पर कोयले की आपूर्ति की जा रही है।
लेकिन महाराष्ट्र को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया है कि राज्य में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोयले की कमी के चलते मांग की तुलना में फिलहाल 3,500 से 4,000 मेगावाट बिजली की कमी है, इसीलिए राज्य में महंगी दर पर बिजली खरीद कर विद्युत की मांग को पूरा किया जा रहा है। महंगी बिजली खरीदने में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लेकिन इसका भार बिजली ग्राहकों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा और प्रदेश को अंधेरे में नहीं जाने दिया जाएगा। राउत ने कहा कि कोल इंडिया कंपनी की लापरवाही के चलते कोयले का संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था कि कोयले का संकट पैदा हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने 3 महीने के लिए कोयले का भंडारण की तैयारी की थी। इसके मद्देनजर मैंने केंद्र सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखकर कोयला उपलब्ध कराने की मांग की थी। त्योहारों को बिजली संकट की स्थिति अगले 2 महीने तक रहने की उम्मीद है, इसीलिए ग्राहक विद्युत आपूर्ति की कमी को देखते हुए सुबह और शाम को 6 से 10 बजे के दौरान कम बिजली का इस्तेमाल करें। राउत ने कहा कि ग्राहक समय पर बिजली बिल भरे। मुंबई की विशेष अदालत ने पुणे की जमीन खरीद से जुड़े मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने मंदाकिनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जबकि एकनाथ खड़से को 21 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मामले को लेकर दायर किए गए आरोप पत्र के मद्देनजर कोर्ट ने मंदाकिनी व खड़से को अदालत में उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया था। इस पर खड़से ने स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर कोर्ट में उपस्थित से छूट मांगी, तो मंदाकिनी ने अग्रिम जमानत का आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जमानत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि चूंकि आरोपी को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में इसलिए उपस्थित से छूट दी गई थी कि वे कोर्ट में हाजिर होंगी, लेकिन इस बार भी वह हाजिर नहीं हुई। हालांकि इस दौरान मंदाकिनी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन न्यायाधीश दिए गए मेडिकल कारणों से असंतुष्ट नजर आए और उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों की बर्बरता सामने आई है। कांगपोकपी जिले के बी गमनोम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्होंने 5 आम नागरिकों की जान ले ली है। उधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि सावरकर 20वीं सदी में भारत के पहले सैन्य रणनीति मामलों में विशेषज्ञ थे, जिन्होंने देश को एक मजबूत रक्षा और कूटनीतिक सिद्धांत दिया। इस बीच अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली बार क्रूजरेव पार्टी पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि आर्यन खान का नाम कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा है, क्योंकि वह शाहरुख खान के बेटे हैं। मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट सहित कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक प्रार्थना सभा में भारत माता की जय के नारे लगाने पर अपने सहपाठियों के साथ मारपीट की घटना भी सुर्खियों में है। बात राजनीति की करें तो खबर मिल रही है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस अपने सीएम पद के चेहरे के तौर पर ब्राह्मण नेता पर दांव लगा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला के नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। देश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बी गमनोम इलाके में कुकी उग्रवादियों की ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 आम नागरिकों की मौत हो गई। मृतकों में एमपी खुल्लेन गांव के प्रमुख और एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रविवार को माफोव वन के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 कुकी उग्रवादी मारे गए थे। इस ऑपरेशन में असम राइफल्स और भारतीय सेना की 3 कोर शामिल हुई थी। मणिपुर में रक्षा मंत्रालय के पीआरओ के अनुसार ऑपरेशन शनिवार को शुरू किया गया था। रविवार सुबह दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी कुकी समूह के थे। इन उग्रवादियों की मौत पर संवेदना जाहिर करने के लिए ग्रामीण जुटे थे, तभी कुछ बदमाश पहुंचे और अचानक उन पर गोलियां चलाने लगे। हमले में घायल एक अन्य नाबालिग लड़के को अस्पताल ले जाया गया है। इलाके में तनाव है, लोग डरे हुए हैं। कई ग्रामीण जान बचाने के लिए इलाका छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। राज्य और केंद्रीय बलों द्वारा बदमाशों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने निर्दोष ग्रामीणों पर हमले की कड़ी निंदा की है। वीर सावरकर को एक कट्टर राष्ट्रवादी और 20वीं सदी में भारत का पहला सैन्य रणनीतिकार बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी और मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा के लोग उन पर गलत आरोप लगाते हैं कि वे एक फांसीवादी थे।
उन्होंने उन पर एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में सावरकर को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्होंने देश को मजबूत रक्षा और राजनयिक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि वह भारतीय इतिहास के एक प्रतीक थे और रहेंगे। उनके बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नीचा दिखाना उचित और न्यायसंगत नहीं है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, लेकिन लोग जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा का पालन करते हैं, वही सावरकर पर फांसीवादी होने का आरोप लगाते हैं। सावरकर के प्रति नफरत अतार्किक और अनुचित है। स्वतंत्रता के लिए उनकी प्रतिबद्धता इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों ने उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सावरकर के बारे में बार बार झूठ फैलाया गया। यह फैलाया गया कि उन्होंने जेलों से अपनी रिहाई के लिए कई दया याचिकाएं दायर की। सिंह ने कहा, सावरकर 20वीं सदी में भारत के पहले सैन्य रणनीतिकार मामलों के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने देश को एक मजबूत रक्षा और कूटनीतिक सिद्धांत दिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड के कई लोग उनके सपोर्ट में बोल चुके हैं। इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों का मानना है कि आर्यन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वह शाहरुख खान के बेटे हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है। उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों को भी डरपोक कहा। शत्रुघ्न ने कहा कि कई लोग शाहरुख से अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनका धर्म वजह बना, लेकिन कुछ लोग ये बात बीच में लाने लगे हैं, जो कि सही नहीं है। जो भी भारतीय है वह भारत का बेटा है और संविधान में बराबर है। उन्होंने कहा कि आर्यन का नाम ज्यादा उछाला जा रहा है क्योंकि वह शाहरुख खान के बेटे है। मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट सहित कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा। पिछले बार ऐसा ही दीपिका पादुकोण के साथ हुआ था। कई नाम आए थे और जाने माने भी थे, लेकिन दीपिका पर ही फोकस था। इस बार इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आर्यन मिल गया है क्योंकि वह शाहरुख खान का बेटा है और उन्हें हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक प्रार्थना सभा में भारत माता की जय के नारे लगाने पर अपने सहपाठियों के साथ मारपीट करने के आरोप में वर्ग विशेष के छात्रों के एक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में 9 ज्ञात और 9 अज्ञात लोगों पर दंगा और हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जिले के बड़ौ स्थित महावीर स्कूल में जनगण मन राष्ट्रगान के बाद धर्म विशेष के छात्रों ने दूसरे समूह के छात्रों द्वारा भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों गुटों में बहस हो गई। इस बात को लेकर धर्म विशेष के लड़कों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कूल की छुट्टी होने के बाद कसाई मोहल्ला के समीप भारत सिंह राजपूत और उसके साथियों के ऊपर लाठियों से हमला कर दिया और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि रतलाम में गरबा पंडालों के बाहर VHP नेता ने पोस्टर लगा दिया, जिसमें लिखा था कि गैर हिंदू को गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। लव जिहाद की आशंका जताते हुए उन्होंने यह कदम उठाया। VHP का यह पोस्टर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। कई तरह के सवाल उठाए ही जा रहे थे कि अब यह घटना हुई है, इसे बदले की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी चुनाव में कांग्रेस अपने CM पद के चेहरे के तौर पर ब्राह्मण नेता पर दाव लगा सकती है। इस लिहाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और भाजपा में बड़े पद पर रहे एक नेता के नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई है, इसलिए चेहरा देने में वह पीछे नहीं रहना चाहती। इस प्रदेश में 80 के दशक तक अधिकांश समय कांग्रेस की ही सरकारें रही। इस दौरान उसने 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति से दिए। अपने जमीनी छोटे छोटे अभियानों में कांग्रेस के नेता इसका प्रचार करने से भी नहीं चूकते, ताकि ब्राह्मण मतदाताओं के बीच फिर से अपनी पैठ बना सके। यूपी में वर्तमान में ब्राह्मणों की अनुमानित संख्या 10-12% है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण नेता को CM चेहरे के रूप में पेश करने की अंदर ही अंदर योजना बना ली है। कांग्रेस के रणनीतिकार बताते हैं कि इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला समेत कई ब्राह्मण नेताओं के नाम पर विचार चल रहा है। चीन हमेशा से ही दोहरी नीति खेलता रहा है, भारत के साथ भी उसकी यही धारणा बरकरार है। एक तरफ वह बातचीत करता है तो दूसरी तरफ पीठ में खंजर भोंकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसकी कुटिल चालें इसकी गवाह है। इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ ने कई विस्फोटक राज उगले हैं। उसके अनुसार दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों में त्योहारों के मौके पर बड़ी तबाही के लिए 6 टिफिन बॉक्स में IED विस्फोटक करने की योजना थी। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फिर कश्मीरी जहर उगला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का हल किए बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं है। चीन भी परेशान है, वहां के शानक्षी प्रांत में मूसलाधार बारिश से जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है।
एक और बड़ी खबर, यूरोप की एक अदालत ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि कैथोलिक पादरियों द्वारा किए गए यौन शोषण के लिए वेटिकन के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मामला नहीं चलाया जा सकता। दुनिया भर में जारी नीति कूटनीति से जुड़ी इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। एक ओर चीन भारत के साथ बातचीत कर रहा है तो दूसरी ओर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुटिल चाल चल रहा है। यहाँ वह सड़क से लेकर सुरंग जैसी संरचना और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहा है। भारत की ओर से तमाम कोशिशों के बावजूद चीन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। गलवान घाटी में जहां दोनों ओर की सेनाएं पीछे हट चुकी थी, वह बफर जोन से 1 किलोमीटर दूर चीन कंक्रीट निर्माण कर रहा है। मतलब साफ है कि डिसएंगेजमेंट के बाद भी चीन की सेना वहीं पर रुककर स्ट्रक्चर बनवा रही थी। इसी तरह की गतिविधि देपसांग एरिया में देखी गई, जहां एएलसी के दूसरी ओर चीन कुछ निर्माण कर रहा है। फुकचे में चीन ने एक और कदम आगे जाकर ऊंची पहाड़ी पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया और वहां से भारतीय सेना की जासूसी कर रहा है। ताजा निगरानी और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 8 और आगे के स्थानों में अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है। पिछले दिनों सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी एएलसी पर चीनी सैनिकों की तरफ से किए जा रहे आधारभूत ढांचे के निर्माण को लेकर चिंता जताई थी। सेना प्रमुख ने कहा था कि चीनी सैनिकों की हर गतिविधि पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ ने कई राज खोले हैं। उसके अनुसार दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों में त्योहारों के मौके पर बड़ी तबाही के लिए 6 टिफिन बॉक्स में आईईडी विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी। अशरफ ने हथियार व धन की व्यवस्था भी कर ली थी। ये हथियार आईएसआई के कहने पर उस व्यक्ति को देने थे जिसे आतंकी हमला करना था। इसी बीच आईएसआई मॉड्यूल के 6 आतंकियों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया और इस मॉड्यूल की कमर टूट गई। सूत्रों के अनुसार उसने जो भारतीय पासपोर्ट बनवाया था उस पर कई विदेश यात्राएं भी कर चुका है। अशरफ धार्मिक गुरु बनकर सऊदी अरब, थाईलैंड व नेपाल भी गया है। अजमेर की एक मस्जिद में रहने के दौरान अशरफ ने वहां स्थानीय मौलवी से दोस्ती कर ली। बाद में वह मौलवी के साथ दिल्ली आया। यहाँ पुराने दिल्ली में मौलवी के रिश्तेदार की फैक्ट्री में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर नमाज पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने मौलवी के अन्य रिश्तेदारों का भरोसा जीत लिया और उसकी वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की आईडी पर आईएसआई से रुपए मांगने लगा। अशरफ व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और सिग्नल ऐप के जरिए अपने हैंडलर नासिर के संपर्क में रहता था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दक्षिण एशिया में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को सुलझा नहीं लिया जाता। CICA की वर्चुअल बैठक में बोलते हुए कुरैशी ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर जहर उगला है। कुरैशी ने जोर देकर कहा है कि जब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर के मुख्य विवाद को हल नहीं कर लिया जाता, तब तक दक्षिण एशिया में स्थायी शांति संभव नहीं है। दरअसल जब जब पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां या तनाव बढ़ता है, पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने के लिए इस तरह के बयान देता रहता है। इससे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र बेनकाब होता है, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान ही सीमा पार से दहशतगर्दों को कश्मीर में भेजता है। जब ये आतंकी अराजकता फैलाते हैं तो वह इसे कश्मीर की आंतरिक समस्या करार देता है। भारतीय सेना का ध्यान भटकाने और आतंकियों को कश्मीर में प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर उल्लंघन का सहारा लेता है और अपने यहाँ विद्रोह की स्थिति देख भारत के नाम पर लोगों को उकसाता है। पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना कश्मीर राग अलाप चुका है, लेकिन हर बार उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान को साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। चीन के शानक्षी प्रांत में मूसलाधार बारिश से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस प्रांत में 15 लोगों की मौत और 3 के लापता होने की खबर है। स्थानीय सरकार ने बताया कि 2 से 7 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश के चलते प्रांत को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश से पूरे प्रांत के 76 काउंटी में करीब 17.6 लाख निवासी प्रभावित हुए। 1,20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। करीब 238,460 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। 37,700 घर ढह गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। बारिश और बाढ़ के चलते भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। हालांकि चीन के सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि बीजिंग के पश्चिम में स्थित शांक्सी प्रांत का कौन सा इलाका मौसम की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि चीनी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में अब तक करीब $770 मिलियन का नुकसान होने का दावा किया है। चीनी मीडिया ने शुरुआत में बरसात से हुई तबाही को कम आंका था, लेकिन हालात के चिंताजनक होने पर खेद प्रकट हुए सिर्फ इतना ही कहा कि क्षेत्र की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है।
हालांकि जल्द ही ये भी बताया कि अब जलस्तर सामान्य हो गया है। इसी साल जुलाई के महीने में मध्य हेनान प्रांत में भी भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यूरोप की एक अदालत ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि कैथोलिक पादरियों द्वारा किए गए यौन शोषण के लिए वेटिकन के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मामला नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि वेटिकन को संप्रभु प्रतिरक्षा हासिल है और पादरियों एवं उनके वरिष्ठों के दुराचार को होली सी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने 24 लोगों द्वारा लाए गए एक मामले को खारिज कर दिया है। 24 लोगों ने कहा था कि वे बेल्जियम में पादरियों के शिकार थे। उन लोगों ने तर्क दिया था कि कैथोलिक वरिष्ठता के कारण दशकों से बच्चों के साथ गलत काम और छेड़छाड़ करने वाले पादरियों के मामले छिपे रहे। संरचनात्मक कमी के लिए होली सी को उत्तरदायी माना जा सकता है। बेल्जियम की अदालतों के फैसले के बाद 24 लोगों ने स्ट्रासबर्ग स्थित अदालत में अपील की थी। यूरोपीय अदालत ने कहा कि बेल्जियम की अदालतें सही थी और पीड़ितों को अदालत में जाने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया गया था। बता दें कि कूटनीति की दुनिया में पोप को सक्रिय और निष्क्रिय विरासत के अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा होली सी का ये व्यक्तित्व वेटिकन सिटी राज्य के व्यक्तित्व से अलग है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेवी न्यूज़। नमस्कार।